नमस्कार दोस्तों, आरबीएफ कांस्टेबल आयन सैलरी में यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक और पार्ट लेकर आ गया हूँ, जो कि ये दूसरा पार्ट है। और यहाँ पर ये भाई ने काफ़ी अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। हालांकि इन्होंने अपना ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया है, बट फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोग इनकी बातों को सुनना चाहिए कि किस वजह से इनका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ है, ताकि आप लोग वैसी गलती ना करें। फिर भी भाई, आपका अगर ट्रेड टेस्ट डिसक्वालीफाई हो गए हैं आप वहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट अभी अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें ट्राई कीजिए, उसमें आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो भाई, आप चलिए सुनते हैं इनकी रिकॉर्डिंग को, क्या इन्होंने बताया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। और जितने भी न्यू व्यूअर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, यहाँ पर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन है, किस राज्य ने विलेज वॉलंटियर सिस्टम लॉन्च किया है? तो आप लोगों को इसको अटैम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में और आंसर को बताना है। मैं आप लोगों का इसका आंसर वीडियो को एंड में बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो सर, हाँ जी, नमस्ते सर जी। ट्रेड नमस्ते। आपका वो ट्रेड टेस्ट कम्प्लीट हुआ था? टेस्ट कल हुआ ना? अच्छा। और सर, आपका महाराष्ट्र में हुआ है? हाँ, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। ओके। आप सर अपना शुभ नाम बता सकते हैं सर? आकाश दमा है, वाटर ओके सर। कौन सा ट्रेड था आपका? कैरियर में था। वाटर कैरियर। ओके सर, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करिए बच्चों के लिए जो भी वॉट यूट्यूब पर है। क्वेश्चन पूछिए ना मुझे, क्या क्या एक्चुअली पॉइंट बताना है आपको। ओके ओके, आप ये अच्छा, तो बताएं। पूरी इन्फॉर्मेशन बताना है क्या जी जी शुरुआत जी से जी लेकर? जी आप स्टार्टिंग से कहाँ से एंट्री हुई है वो पूरा स्टार्टिंग अच्छा से। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हमको बुलाया गया था 7:30 बजे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम था। फिर ओके। हम 5:30 बजे वहाँ गेट के सामने खड़े हुए। सर अच्छा। आए, उन्होंने हमको अंदर लेके गए ग्राउंड के तरफ। ग्राउंड के ऊपर में जो कुछ पढ़ने के लिए जगह था, वहाँ लेके गए। वहाँ पे हमको कुछ समय बैठाया गया। फिर ठीक। सभी जब लड़के जब प्रेजेंट हो गए, तो हमको नंबर मिला गया। मैं अच्छा। वहाँ पे सर के पास लिस्ट थी, तो हाँ लिस्ट का निशान क्या सबका नंबर डिक्लेयर होता था कि कौन से पोजिशन पे आएगी। क्योंकि अच्छा। मेरा 34 का नंबर था, तो उस लिस्ट के हिसाब से आपकी बैच बनने वाली थी। थर्टी ओके। थर्टी की बैच बनती है, उसमें से 14-14 लोगों को वहाँ पे कुकिंग में एक साथ में लेके जाया जाता है। अच्छा सर, ये 30-30 का बैच बनता है, लेकिन 14 का सर और जो बाकी दो रहते हैं वो कहाँ पे आते हैं? तो बाकी जो दो अदर बैच में काउंटिंग हो जाते हैं, ओके ओके ओके। में क्या जो जो अदर 14 लोगों में आएंगे पीछे साइड में, उनके इसमें काउंटिंग हो जाती है। अच्छा, ठीक। हाँ, हाँ आ गया। और फिर उसके बाद में तो हमको तो आधार बायोमेट्रिक के लिए लेकर जाया जाता है, जब वो बैच बन जाती है ना 14-14 की। हाँ हाँ, तो फिर हमको बायोमेट्रिक के लिए लेके गया। बायोमेट्रिक के होने के बाद फिर और एक बार एक रूम में बैठाया गया। फिर वहाँ पे आपको जब तक आपका नंबर नहीं आएगा, जब तक तो शुरुआती जो वाली बैच थी है ना, उनका जब तक कुकिंग नहीं हो जाता थे, तब तक तो हमारा हुआ नहीं। फिर अच्छा। उनका जब हुआ, फिर उसके बाद हमको लेके गए। फिर वहाँ पे सीनियर सर थे और उनके पास बाकी जो वर्कर उनके नहीं थे, उनके सब ऑफिसर बोलते हैं सर, अच्छा। है ना। तो वो लोग पीछे में रहते, अपने बैक साइड में रहते, वो लोग बताते रहते कि ऐसा ऐसा करो। अच्छा। तो जिनमें सीनियर सर है ना, वो आपसे अगर एक भी गलती हुई है ना, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और मार्क कैंसिल कर देते। अच्छा, तो तो जैसे कि वैसे मुझे रोटी बनाने ज्यादातर आइटम ना आमलेट रहता है, पकौड़े रहते हैं एंड रोटी रोटी का रहता है, रोटी बनाना आटा गूंदना रहते हैं। अच्छा, सर ये हाँ, और रोटी पकौड़े, बन। हाँ बोलिए ना। पकौड़े तो अभी तक सर नहीं बोला जा रहा था, लेकिन अब पकौड़े ही बोल रहे हैं। नहीं, सर सर ने बोला गया था ऐसा कि पकौड़ा होगा, पर हुआ नहीं हमारे सामने। भी अच्छा। आमलेट हुआ, आमलेट हमने तीनों आइटम में हुआ, आमलेट हुआ, आटा गूंदना और रोटी का। अच्छा ठीक। और तो रोटी बनाने के लिए आपको 5 मिनट टाइम दिया जाएगा। रोटी गोल होना चाहिए, एकदम फूलना चाहिए ना, क्या और कच्ची नहीं रहनी चाहिए अंदर के साइड से। तो लोग अच्छा। फाड़ फाड़ के देखते हैं ऊपर का ना, क्या कैसे पकी है कि नहीं, मैंने फूला है कि नहीं। पार्ट पार्ट अलग रह जाता है ना कटा वाला। हाँ, तो ऐसा हुआ था। उसके बाद में फिर वापस से पूरे लोग को वही तो बुलाया जाता, स्टार्टिंग में बैठाया गया था। जब तक पूरे बैच का नहीं होता, तब तक वहां पर बैठना पड़ता है। लगभग 1 से 2 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। फिर 1-2 बजे का रिजल्ट आ जाता है। हाँ बोलिए ना। आपका ट्रेड टेस्ट जब वहां पर हो रहा था किचन के अंदर, तो आपका पूरा कितने टाइम में लगभग क्लियर हुआ था? कैसा? अच्छा, बनाने के टाइम में गया हाँ, टोटल टाइप कितने में पाँच खोला था? दस 5 मिनट में हो गया सब कुछ।
अच्छा, मतलब एक ही काम करवाया आपसे? हाँ, एक काम करवाया गया किसी ओके हाँ को सब फल बांटने के लिए, नहीं क्या वो सलाद वगैरह बोलते सब्जी हाँ के हिसाब से वैसा कुछ बोल रहा था। और याद है नहीं, चार आइटम दिए गए एकदम, आमलेट था एंड आटा गूंदना, रोटी बनाना और सलाद काटना। अच्छा सब्जी के लिए अलग से अलग टाइप का सलाद बनाओ और रोटी के लिए अलग टाइप का। ओके हाँ, फिर सर आपके साथ क्या हाँ हुआ? कुछ नहीं, मेरा रोटी बना नहीं था, फूला नहीं था अच्छे से, इसलिए ओ कट ऑफ कर दिया गया। ओ चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में आप ट्राई कीजिए। हाँ हाँ, चाहे आरआरबी गोबी में करवाना है इस बार। बिल्कुल 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 सर। और सर इसके बाद में आपको कहाँ पर फिर ले जाया गया? कुछ नहीं, कुछ के बाद में रिजल्ट सुनाया गया हाँ जिन जिन का आने का, जो सिलेक्ट हुए लगभग ज्यादा नहीं, 500 लोगों का हुआ था। अच्छा एंड डेली 500 का होता है, लेकिन हमारे बैच में, हमारे इसमें 400 का हुआ था और अच्छा 400 में से लगभग 20 से 25 लोग लिए थे, उससे ऊपर नहीं हुआ था। अच्छा 400 लोगों का हुआ था आपके साथ में? एक बैच में 2 से 3 लिया जाता है मैक्सिमम, ने किया और वो भी बेस्ट जो किया रहता है ना हाँ उनको ही किया रहता है, और जिस बैच में अगर किसी का हुआ नहीं अच्छे से तो उस बैच का एक भी सिलेक्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ और अच्छा सर ये जरा एक क्वेश्चन है मेरा कि जब वहाँ पर आपसे अंदर ट्रेड टेस्ट के लिए जब लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई स्पेशल ड्रेस भी दे रहे हैं क्या पहनने के लिए? हाँ नहीं, आपका जो ड्रेस रहेगा ना जो आप पहन के आओ वही वाला रहेगा, और आपको बस बोला जाएगा इंस्ट्रक्शन की जो सर नहीं रहते, जो सीनियर सर उनके सामने थोड़ा अच्छे ड्रेस पहन के जाओ ना, कि हमें कैसी भी मत आ जाओ, हाफ पैंट वगैरह पहने क्या, अच्छा। हमें क्या स्मार्ट लुकिंग रहना चाहिए थोड़ा सा बनना है क्या। हाँ, बात सही है। मैंने सब जगह ना आया उनके सामने अच्छा इंस्पिरेंस आया कि उनको अच्छा लगे, कि कोई एक लड़का था जो हाफ स्कूल आ गया था ना गया, तो उसके बहुत बात करी मुझे सर साहब। अच्छा सर, क्या मतलब आप जैसे सर के सामने जा रहे हैं तो क्या विशेष क्रम ध्यान रखे हैं? ध्यान तो ये रखना है, अगर आप आटा गूंद रहे हो तो एकदम मुलायम बने और उनके सामने गड़बड़ ना करे, अगर गड़बड़ करोगे तो आप ही की तरफ वो ध्यान देते हो और आप ही की तरफ नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। और अगर आप रोटी बना रहे हो फुला रहे हो, जब तक सर ना देखे तब तक उसको ना दिखाओ, क्योंकि जब रोटी फूलती है ना तो सर के नजर में होनी चाहिए, तो सर का ध्यान भी नहीं रहता ना कभी कभी, तो कुछ फायदा नहीं होता ना फिर अच्छा, आपके कहने तो का आप मतलब, पे। आपका कहने का हाँ मतलब है बोलिए ना। कि, आपका कहने का मतलब है कि जब सर देख रहे हो तभी उसको रोटी को फुलाना है? हाँ फुलाना है तो सर का अगर मान लो दूसरे लड़के की तरफ ध्यान है तो फुला के भी कुछ मतलब नहीं होता ना, क्योंकि फूलने के बाद तो रोटी यही होने वाली है ना। अच्छा चलिए, हाँ ये सर आपने बढ़िया बात बताई आपने कि सर जब देखें तभी फुलाना है, अगर पहले फुला के रख दिया तो हाँ उसका फायदा नहीं है ना। कुछ फायदा नहीं रहेगा। हाँ तो वैसे भी सर और एक बार चेक करने आते हैं, लेकिन फिर पता है क्या, कोई किसी अगर मानो सर नहीं आए तो फिर क्या होगा, कुछ कुछ हाँ लोगों का ऐसे ही हुआ, पता है क्या, जो मेरे बाजू वाले लड़का था उसका एकदम अच्छा बना था, लेकिन ना सर का ध्यान कहीं और था, हमने पहले की लड़की की तरफ था, अच्छा तो उस लड़की की तरफ सर ने देखा भी नहीं, उसको चेक भी नहीं किया रोटी। अच्छा और ध्यान रखना की 3 के 3 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि 5 मिनट जब हो जाते हैं ना तो सर बोलते तुम चले जाओ अपने पूरी रोटी लेके। अच्छा मतलब 3 मैक्सिमम टाइम 5 मिनट का दे रहे हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 मिनट हाँ के अंदर ही 3 मिनट में करना अगर हो गया ना तो देखो सर का ध्यान आपके तरफ जाएगा, क्योंकि 3 मिनट में हो गया और अच्छा अच्छा गोल वगैरह बनाते ना क्या। है। अच्छा सर, ये 3 मिनट के अंदर वहाँ पर क्या आटा जो रहता है वो गुथा रहता है पहले से? नहीं देखो वैसे नहीं, देखो आपकी ड्यूटी के मान लो कि फर्स्ट देखिए फर्स्ट 14 बैच 14 लोगों की बैच थी ना, तो उनको टास्क दिया जाएगा कि आटा गूंदो करके, है अच्छा ना, हाँ और फिर जो उन्होंने आटा गूंदा है उसको नेक्स्ट उसके जो आने आने वाले बैच है ना, अच्छा तो उसको उसी आटे की रोटी बनाने के लिए बोला जाएगा। हाँ, हाँ ठीक है और एक ही रोटी चलो, बनाने के लिए बोला जाता है। ओके ओके ओके। हाँ और तो ये अच्छा, आप ये बताइए जरा कि आपके मतलब जैसे आप बैच में गए वहाँ पर, तो आपके वहाँ सामने कितने कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, मतलब जो पहले वाले बैच थे और लास्ट वाले बैच थे? डिस्क्वालीफाई ऐसा नहीं रहा जाएगा, इसलिए देखो अगर आपका अच्छा बना है तो एक बैच में 4-5 भी लोग ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका रूटीन क्या सकता है तो होता ही है, क्योंकि गैस वगैरह ऐसी टाइप की बड़ी टाइप की गैस ऐसी रहते हैं कि बच्चा देख के घबरा जाता है गैस को। हाँ अच्छा सर, और ये गैस गैस को ऑन करने में या फिर उसको मतलब वो थोड़ा वो करने में एंटी थोड़ा? क्लॉक वाइज अगर अगर आप एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे हो गैस को ना क्या, हाँ तो आपकी गैस ऑन होगी और क्लॉक वाइज घुमा रहे हो तो कम या फिर बंद हो जाएगी, अच्छा। और उनको बोलना कि अगर ध्यान से किया नहीं ज्यादा स्पीडली मत करना, बोलना गैस को आने का स्लो स्लो करेंगे तो एकदम अच्छे से फ्लेम बढ़ती है, अगर एक्सपेक्ट करेंगे ना तो एकदम वो फेंक देता है, भाव फेंक देता है। अच्छा। और ये जरा हाँ भट्टी जो है वो छोटी वाली है या फिर बड़ी वाली है? नहीं,
जैसे आपने पिक्चर में दिखाया ना वीडियो में, हाँ सेम वैसी थी। और लाइटर एकदम बड़ा वाला रहता है, जो नॉर्मल लाइटर रहता है ना अपना, एक हाथ के ऊपर रहता है उतना लंबा लाइटर रहता है आपको। अच्छा, और हाँ ये जरा साइज ज्यादा बड़ी तो नहीं रहती है? क्योंकि एक स्टूडेंट पूछ रहा था मेरे से कि सर ये साइज क्या बड़ी रहती है क्या छोटी रहती है, तो नहीं, वो साइज सेम रहता है सभी, यानी जहाँ तक जितनी गैस सुना तब की साइज ना एक ही गैस की। हाँ नॉर्मल ही था, लेकिन उसका ना क्या बहाव जल्दी ज्यादा फेंक देता है। और सर और क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर वहां पर जाते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए? सावधानी और जान से तो बच्चा डरे ना, लड़की को डर जाता है तो बनता नहीं ना उसको। और उनको बोलना बस 4 पॉइंट याद रखना, बोलना कि अगर आटा गुना हो तो मुलायम रखे, ज्यादा कड़क भी ना हो और ज्यादा गीला भी ना हो। अच्छा, और अगर आपको रोटी बनाने के लिए बोला है तो गोल रहनी चाहिए रोटी, अंदर से पकी रहनी चाहिए और ज्यादा जारी नहीं रहनी चाहिए रोटी। अच्छा, और लगभग ना रोटी आपकी मिनिमम साइज भी क्या उसकी, उसका अपना हाथ रहता है, हाँ हाँ जो हाथ रहता है जो अपना अंगुलिया रहता है बस उतना उतना बड़ा रहना चाहिए। जो पूरी इतना पूरी बस उसे थोड़ी हल्की सी बड़ी रहती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए ना ज्यादा छोटी भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज। ओके, और पतली भी है ना, पतली बननी चाहिए। हाँ पतली होनी चाहिए, और जैसे कि उसका जो दो पार्ट होता है ना अलग अलग होना चाहिए, जो अच्छा चिपका अच्छा नहीं होना चाहिए पार्ट उसका ना क्या। ओके, अच्छा मैक्सिमम हाँ लोगों से यहाँ पर रोटी बनवाई जा रही है ना? हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोटी और आटा गूंदने के दिया जा रहा है, ओके, अच्छा ये और कुछ लोगों को आमलेट। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर आप अगर कुछ कहना चाहें अपने भाइयों को? और कुछ नहीं, उसी में थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलना मेरे तरफ से अलग ही बोल रहे। ओके सर। अच्छा आपका कोई और फ्रेंड है सर जिसका कंप्लीट हुआ हो ट्रेड टेस्ट? हाँ बहुत सारे हैं। हाँ उनके कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं सर? जी मिल जाएगा ना, अच्छा आप पर व्हाट्सएप। पहले मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ओके ओके, इसमें परमिशन हाँ वाली सर कोई बात वैसे मेरे ख्याल से लगती नहीं इंटरव्यू देने में, हाँ जी तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर सर। ओके, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको चैनल आप ही नहीं आप ही एडिट करते हो उसको? जी 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 अच्छा काम कर रहे हो आप, पहले से बता रहे हो बच्चे को, मेरे को तो आप मिला ही नहीं कुछ ऐसा। एक्चुअली मैं आज मेरे नोटिफिकेशन पे दिखा आपका वो चैनल, तो मैंने क्लिक करके देखा कि नहीं, आपने भी सही दिया इन्फॉर्मेशन, वही ऐसा तो। मुझे मिला रहता तो हो गया रहता, मेरे को वीडियो नहीं मिला पहले। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मुझे। बस अच्छा तो ठीक आप है। इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें बस। ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर। दोस्तों ये था इन भाई का एक्सपीरियंस, होप करता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अब चलिए आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में पूछा था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री VS जगमोहन रेड्डी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो आप लोगों का जितने का आंसर सही है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं सही